ऐसा नहीं गुजरा जब से हजरत उमर ने 20 रकतें शुरू कराई हैं कि 20 रकत से एक रकत भी कम हुई। ज्यादा तो हुई है, कम बोलो नहीं हुई। कैसे नहीं हुई भाई, वो असल सबूत ही नहीं है। 20 रकत सिरे से साबित ही नहीं है उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला के दौर में, और आप कह रहे हैं कि उससे कम नहीं हुई है, 20 रकत से कम नहीं हुई। हालांकि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने जिस रकात पर लोगों को जमा किया वो 11 रकात है, और इसी तरह से कई हवाले आपके सामने रखे जा चुके। चलिए मैं कुछ और आपके सामने पेश कर देता हूँ, ये मेरी किताब में मौजूद है, ये सफा नंबर आप देखें। आप ये कह रहे हैं ना कि कभी नहीं, आप इजमा की बोली बोल रहे हैं, आप ये दावा करना चाहते हैं कि इस पर इजमा हो चुका है। तो आइए मैं आपके सामने कुछ चीजें पेश करता हूँ। ये हमारी किताब है सफा नंबर 286। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने भी 11 रकात बयान फरमाया। ये तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला सहाबा में, उनसे जब सवाल होता है तो 11 रकात बयान फरमाते। उसके बाद उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को देखें, उन्होंने भी 11 रकात इख्तियार की है, और तमाम सहाबे कराम में से किसी ने भी इख्तलाफ नहीं किया। इसके अलावा इमाम मालिक रहमतुल्लाह का कौल भी आपके सामने पेश किया जा चुका है कि उन्होंने भी 11 की तादाद जो है इख्तियार की है। इसके अलावा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में बताया जा चुका, 11 रकात की रवायत दर्ज करते हैं और किताब सलात तरावी में। इसके अलावा इमाम अबू बकर इब्न अरबी रहमतुल्लाह का मौकिफ आप देख लें, उनकी किताब है आरिज़तुल अहवज़ी, उसमें भी वो कहते हैं वसही अयुसल्ली एहदा अशरा रकतन सलात नबी सल्लम व क़याम, कि सही बात यह है कि 11 रकात पढ़ी जाए। व अम्मा गैर ज़ालिका मिनल आदाद, और 11 से ज्यादा जो अदद है फला असल लहू, उसकी कोई असल नहीं है। और इसी तरह से इमाम अबू बकर इमाम अबुल अब्बास अल कुर्तुबी रहमतुल्लाह का मौकिफ है, उनकी किताब है अल मुफहिम, उसमें वो लिखते हैं वकाल कसीर मिन अहले इल्म, आप कहते हैं कोई नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि कोई भी नहीं है। और इमाम कुर्तुबी क्या फरमाते हैं वकाल कसीर मिन अहले इल्म, कहते हैं कि अहले इल्म की एक कसीर तादाद ने, एक बड़ी तादाद ने कहा है कि 11 रकात, आप कहते हैं कोई नहीं है, या कह रहे कि बहुत सारे हैं जो 11 रकात कहते हैं। अखजम बे हदीसी आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हम आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो हदीस है उस पर जो है अमल करते हुए। इसके तरह बल्कि खुद जो हनफी उलमा हैं अहनाफ हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस बात को तस्लीम करके रखा है कि तरावी असल जो सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 11 रकात। हमारी इसी किताब में सफ़ा नंबर 293 से सफ़ा नंबर आप 297 देखेंगे, बड़ी तफसील है, इसमें सारे अहनाफ के नाम हमने गिना रखे हैं। ये हनफी उलमा है, ये सब ने इस बात को तस्लीम किया है कि 11 रकात ही ये सुन्नत है और 20 रकात वाली हदीस ज़ईफ है। इसलिए जो आपने ये कहा कोई नहीं, ऐसा नहीं है, कसीर मिन अहले इल्म, जिनको आप कोई नहीं बोलते ना उलमा कहते हैं वो बहुत सारे लोग हैं। ये तो आपका दावा है कि कोई नहीं है, लेकिन जो अहले इल्म है वो कहते हैं बहुत सारे लोग हैं, इसलिए आपका दावा बेदलील है, उसकी कोई हैसियत नहीं। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आए। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।